चार आदमी को अरेस्ट दिखा रहा है आज। तो इसमें दिस इज शेख बावजीर और ए वन मेन अक्यूज्ड, ए वन का नाम अहमद बिन हजेब, एज 20 इयर्स, वॉशिंग मशीन मैकेनिक का काम करता है। सो अक्यूज्ड ए टू अहमद सादी, ए थ्री अब्दुल्ला सादी एंड ए फोर साले सादी, ए फाइव उमर सादी। इसमें अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी ये दोनों, इसमें अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपाली में काम का, जलपल्ली म्यूनसिपाली का म्यूनसिपल चेयरमैन है। सो जलपल्ली म्यूनसिपाली में जो भी इश्यूज हो रहा है, कुछ कई कई टॉपिक्स का ऊपर ये डीसी शेख बावजीर ने काफ़ी सारा वीडियोस बनाया है। कई वीडियोस में इसको डिफेम किया गया है और कभी कभी ब्लैकमेल भी किया है। सो इन लोगों को ए टू अहमद सादी, ए थ्री अब्दुल्ला सादी और साले सादी, इन तीनों, और ए फाइव उमर सादी, इन तीन चार जनों का पर्सनल ग्रजेस था शेख बावजीर का ऊपर। ऑन 11/8/2013 नाइट अराउंड 12 o'clock इन द मिडनाइट वी रिसीव्ड, हमको एक खबर आया कि एक मर्डर हो गया। तो डिसीज्ड का नाम है शेख सईद बिन अब्दुल रहमान बावजीर, एज 27 इयर्स। तो इसका मर्डर हो गया बोल के हमको एक खबर आया। तुरंत हमारा पुलिस टीम उधर जाके पूरा फॉर्मेलिटीज करके क्राइम सीन प्रोटेक्ट करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया है। सो उसके बाद वो डिसीज्ड का फादर से कंप्लेंट लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सो इस इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज को ढूंढने के लिए लगभग 8 स्पेशल टीम क्रिएट किया गया है। वो 8 स्पेशल टीम का एफर्ट से आज आपके सामने चार आदमी को अरेस्ट दिखा रहा है आज। तो इसमें हम लोग पहले 302 केस रजिस्टर किया, उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी सेक्शन ऐड किया है। नाउ अंडर सेक्शन 302 120B रेड विथ 34 IPC बनलगुड़ा PS में 207/20/2023 में एक केस बुक किया है। इस केस का डिटेल्स में जाया जाया तो गया तो हमको ये दिस इज शेख बावजीर और ए वन मेन अक्यूज, ए वन का नाम अहमद बिन हजेब, एज 20 इयर्स, वॉशिंग मशीन मैकेनिक का काम करता है। सो इन दोनों का 2021 में एक केस में दोनों दोनों ने चंचलगोड़ा जेल में मिला है। उस टाइम से इन दोनों का फ्रेंडशिप भी था और इस फ्रेंडशिप कुछ होमोसेक्सुअल काइंड ऑफ रिलेशन भी था। उसके बाद भी इन दोनों बाहर आने के बाद इन दोनों कभी कभी मिलता था। बट दिस इज शेख बावजीर ने सोशल मीडिया में ज़्यादा कहीं कहीं चीज़ों में कहीं कहीं टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहा था। सो इसी टाइम पे इसमें अक्यूज्ड ए टू अहमद सादी, ए थ्री अब्दुल्ला सादी एंड ए फोर साले सादी, ए फाइव उमर सादी। इसमें अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी ये दोनों, इसमें अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपाली में काम का, जलपल्ली म्यूनसिपाली का म्यूनसिपल चेयरमैन है। सो जलपल्ली म्यूनसिपाली में जो भी इश्यूज हो रहा है, कुछ कई कई टॉपिक्स का ऊपर ये डीसी शेख बावजीर ने काफ़ी सारा वीडियोस बनाया है। कई वीडियोस में इसको डिफेम किया गया है और कभी कभी ब्लैकमेल भी किया है। सो इन लोगों को ए टू अहमद सादी, ए थ्री अब्दुल्ला सादी और साले सादी, इन तीनों, और ए फाइव उमर सादी, इन तीन चार जनों का पर्सनल ग्रजेस था शेख बावजीर का ऊपर। तो एक ग्रजेस के ग्रजेस से एक दो बार इसको डिसीज को बुला के बात भी किया गया है और लगभग 9 लाख तक भी दिया है। अभी अभी हमको पता चला कि वो शेख बावजीर ने ब्लैकमेल किया, इसके दौरान ये अक्यूज अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी लगभग 6-7 लाख तक का पैसा भी दिया है। फिर भी शेख बावजीर ने फिर भी
ये सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस अगेंस्ट अनडेवलप्ड एक्टिविटीज इन जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी एरिया, लैंड ग्रैबिंग का और कुछ और कई और चीज़ों का वीडियोस डाल रहा है और उसको डिफेम कर रहा है। सो इसको हटाने के लिए, इसको सेटल करने के लिए इन्होंने एवन ए अहमद बिन हजेब को एक टूल जैसा यूज़ किया, बिकॉज ए अहमद बिन हजब हिजब और शेख बाउजर का रिलेशनशिप था पहले। सो इन दोनों को ऑलरेडी इसको टूल बना के इसके साथ इसका पर्सनल ग्रज सेटल कर सकते बोल के सोच के उमर सादी बोल के, ये दोनों का बीच का रिलेटिव है, अहमद सादी फैमिली और अहमद बिन हजब का बीच में उमर सादी बोल के एक रिलेटिव है, उसके उसका उससे उससे इन्होंने एक डील बात करके लगभग 13 लाख का पैसा दे देंगे, हम इसको हटा गए तो इसको मार दिया गया तो आपको 13 लाख दे देंगे बोल के उमर सादी के द्वारा दे हैव गिवन अश्योरेंस टू अहमद बिन हजब। सो अहमद बिन हजब और A6 मोहम्मद अयूब इन दोनों ने इसको कैसे मार सकते हैं, जो जैसे कुछ भी सस्पिशियस जैसा नहीं दिखना बोल के इन्होंने क्या किया, एवन अहमद बिन हजब ने एक सईद बोल के एक बच्चा था, बच्चा को लेके उसको डरा के शेख बाउजर के पास लेके गया है। उस दिन उस रात में वो सऊद को अंदर भेज के और थोड़े देर के बाद जब बाउजर ने एक अच्छा सरकमस्टांसिस में जिसके उस टाइम जिसके पास कुछ नहीं था वो टाइम देख के अहमद बिन हिजाब ने जो ऑलरेडी लेके आया नाइफ लेके आके चिल्ली पाउडर लेके आया, चिल्ली पाउडर स्प्रिंकलिंग करके नाइफ चाकू लेके उसको मार दिया है। उसके बाद जल्दी से जल्दी पूरा अपस्टैंडिंग हो गया है और जो क्रिमिनल्स कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व्ड है वो लोग भी जब मर्डर हुआ उस दिन से अपस्टैंडिंग में था। सो आफ्टर ऑल दिस सेंसेशनल मर्डर और CP सारज क्लियरली टोल्ड टू गो थ्रू प्रॉपरली इन द एविडेंस एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के जाने के लिए ऑर्डर दिया गया है, उसके हिसाब से 8 टीम स्पेशल टीम फॉर्म करके कहीं जगह ढूंढ के अभी 4 आदमी को पकड़ लिया है। पूरा फॉर्मेलिटीज करके आज A1 अहमद बिन हजेब, A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी म्युनिसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी, A6 मोहम्मद अयूब खान, इन 4 आदमी को आज आफ्टर फॉर्मेलिटीज हम जुडिशियल रिमांड को भेज रहे। सो इस केस में जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके अक्यूज्ड को पकड़ के लेके आया। सो CP साहब ने हमको अप्रिशिएट किया गया है। सो आई कंग्रेचुलेट ऑल द ACP चंद्रयान गुट्टा, SHO बनलागुड़ा एंड ऑल द टीम मेंबर्स फॉर सक्सेसफुल डिटेक्शन ऑफ दिस केस एंड ब्रिंगिंग द अक्यूज्ड टू द जुडिशियल रिमांड। थैंक यू। अहमद हजार उमर सादी से अहमद सादी का एक रिलेशन है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कल से A1 का, उसके अंदर उसने पुलिस कस्टडी में रहते हुए वो वीडियो वायरल किया है, तो इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? इंक्वायरी पुलिस इंक्वायरी नहीं, जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द केस, समबडी इज क्रिएटिंग दिस, वी विल टेक एक्शन। सही है, पुलिस कस्टडी में रहने के बाद वो वीडियो बना, वी आर इनिशिएटिंग इंक्वायरी ऑन दैट, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट। इस दौरान पर मैं सबको सब लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाह रहा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया में ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि पुलिस वाला एक्शन नहीं लिया बोल के, तो हमारे पास पूरा एविडेंस है। सो जब शेख बावजीर ने हमको कंप्लेंट दिया 27/7/2023 को, उसका कंटेंट्स फाइन आर्ट 6 का कंटेंट्स आता है। फाइन आर्ट 6 IPC इज नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ये होता है पुलिस डायरेक्टली केस बुक नहीं कर सकते फाइन आर्ट 6 कंटेंट्स में, जब भी किसी को डराता है उसमें डायरेक्टली पुलिस केस नहीं बुक कर सकते, इसको नॉन कॉग्निजेबल बोलता है। ये सेक्शन के ऊपर कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है एंड हमारा लोग को कंप्लेंट ले लिया, कोर्ट को परमिशन के लिए अप्लाई भी किया, जब परमिशन आता है तो तुरंत केस बुक होता है। सो इसमें हमारा पुलिस का किसी का भी नेग्लिजेंस नहीं है एंड इन दोनों का
ये सोशल मीडिया में एलिगेशन करना, पर्सनल डिफेमेशन करना, बहुत सारे चीज चलता रह रहा है। एंड दोनों राउडी शीटर है, उसको बुला के बात किया, कभी कभी राउडी शीट काउंसलिंग सेशन में भी हमने वार्निंग किया। तो हमारे तरफ से देर इज नो लैकनेस, देर इज नथिंग दैट वी हैव नॉट डन फ्रॉम आवर पुलिस साइड। सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस टू ऑल द पब्लिक, वेन एवर सम इन्फॉर्मेशन इज कमिंग, वेन एवर समथिंग समबडी इज थ्रेटनिंग, डेफिनेटली वी आर टेकिंग एक्शन, वी विल कंटिन्यू टू टेक एक्शन। बहुत सारे लोग आके ऐसे वीडियोज बनाते हैं, बट जो जिसमें सब्सटेंस है उसमें जरूर हम एक्शन लेंगे। इसमें सब्सटेंस नहीं है, जस्ट सी वही बोल रहा है आपको, 506 सेक्शन आप पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा 506 में क्या क्या होता है। इतना भी इंटिमिडेशन करो, 506 ही आता है, वो कानून में आईपीसी में इससे ज्यादा सेक्शन नहीं है। एंड 506 इज अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, वी कैन नॉट टेक एक्शन ऑन आवर ओन। व्हाट वी कैन डू इज कॉल देम एंड काउंसिल देम, वी काउंसिल देम, वी कॉल्ड, we have called them for bind over also, and we have told informally and formally also we registered a case, we have sent a requisition to the court. Sir, in the police mein allegation vachina SHO Bandlagura has not received one single phone call from any reporter, sir. See, when something is under sub judice, when something is under sub judice we cannot tell anything. If something we tell, it goes against the investigation. So that's what I'm saying. Initial also when something is investigation, पहले वो एक बोलता है अक्यूज को पकड़ने के बाद दूसरी चीज बाहर आता है, देन आप लोग ये पूछेगा पहले ये बोला ये बोला। See, we cannot, something happen directly we cannot judge. It takes time to establish an evidence, it takes time to bring out the justice, it takes time to bring out the actual truth. Just like that, that's why I also, we did not give any statements, we did not attended any calls, because we want to get proper evidence to fix anyone. That's the issue.